राहुल गांधी क्या नेता हैं? वो तो बोलते हैं कि जो आलू है उसको मैं सोना बना दूंगा, तो वही नेता होंगे देश का। उनको पता नहीं है कि आलू में सोना कैसे होता है, फैक्ट्री बना देंगे तो क्या बताएंगे। जब किसान रहता है वो बताता है कि क्या होता है। बीजेपी के कार्यकाल में जितना विकास देश का हुआ है कभी नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं अभी मौजूद हूं, रोहतास से चलकर मैं कैमूर पहुंचा हूं और कैमूर के मोहनिया थाना अंतर्गत यह समहुता गांव आता है और मैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पड़ताल में चला हूं और लोगों से मैं सीधा सीधी तौर पर जानने का प्रयास करूंगा कि लोगों का इस बार मुद्दा क्या है, विजन क्या है, इस बार कौन से एजेंडे पर ये लोग वोट देंगे, ये अपना नेता किनको मानते हैं। और देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ गार्जियन भी हैं और कुछ युवा साथी भी है। मैं लोगों से जानने का प्रयास करूंगा और बात करूंगा कि आने वाले 2024 में ये लोग इस बार फिर केंद्र में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, या सरकार को परिवर्तन करना चाहते हैं केंद्र में, या फिर बीजेपी की ही सरकार चाहते हैं। अभी मैं मौजूद हूं कैमूर के मोहनिया थाना अंतर्गत, ये समहुता गांव आता है और मैं बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मैं पड़ताल में चला हूं। आप यहां के जो वर्तमान सांसद हैं उनका नाम जानते हैं? जी नहीं। हैं जी नहीं। आपको अपने सांसद का नाम पता नहीं है? नहीं पता है। अच्छा, 2024 में फिर चुनाव आने वाला है लोकसभा का? जी। पता है? नहीं है? पता नहीं है? नहीं। वोट उठ देने जाते हैं? जी जाते हैं। अच्छा, बिहार में आपका नेता बढ़िया क्या लगता है? नेता में सर मान लीजिए पिछला वर्क में जो था वही है। मतलब कौन पिछला वर्क में? कौन पिछला वर्क में? वही लालू प्रसाद। मतलब लालू प्रसाद यादव अच्छे लगते? जी जी। अच्छा, बीजेपी का कार्यकाल आप लोगों का कैसा लगता है? बीजेपी का अभी आया नहीं है तो हम क्या बता सकते हैं? है? बीजेपी का अभी आया नहीं तो क्या कर सकते हैं? हाँ। जी, अगर इस बार 2024 लोकसभा से चुनाव होगा तो आपके यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, शायद आप नहीं जान रहे तो मैं बता दे रहा हूँ, उनका नाम छेदी पासवान जी है और बीजेपी से वो जीते हुए सांसद हैं। वोट किनको कीजिएगा, बीजेपी को कीजिएगा इस बार या महागठबंधन को कीजिएगा? महागठबंधन को। महागठबंधन को? जी। 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में चुनाव अब नज़दीक आ गया है, आप लोग इस बार वोट कहाँ देंगे? महागठबंधन को देंगे, जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उसको देंगे, या फिर एनडीए को देंगे? एनडीए को देंगे। क्यों एनडीए को देंगे? महागठबंधन कुछ काबिल ही किया है। और यहाँ के तो कुछ आपके बगल गाँव के लड़का रहने वाले हैं, बोलते हैं कि हम यहाँ के सांसद को नाम ही नहीं जान रहे हैं। अब नहीं जान रहा है तो वोट दिया हो कैसे नहीं जान रहा, तो उससे पूछिए कि वो लड़का क्यों नहीं जान रहा है। आप अपने सांसद को नाम जानते हैं? हम सांसद को जानते हैं ना भाई। हाँ, तो उससे पूछिए क्यों नहीं जान रहा, लेकिन सवाल है कि काम नहीं किया है लोग। गठबंधन जो है ना बेवकूफ़ बना के हर समय रखता है, खाली जात बात की बात करता है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है ना, या कोई भी चीज़ में क्या रिफायद दिया है, कोई भी चीज़ केंद्र के योजना को भी कितना लागू किया है लोग, उनसे पूछिए। लेकिन कहा जा रहा है जिस तरह से इंडिया अलायंस के लोग हैं साफ तौर पे बीजेपी पे तंज कसते हुए कहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार मोदी जी गद्दी छोड़ देंगे और इंडिया अलायंस का महागठबंधन का सरकार बनेगा 2024, तो हर समय बोलता है। हाँ, जब चुनाव आता है रिजल्ट आता है तो क्या आता है, उसके अगेंस्ट में आता है कि सपोर्ट में आ रहा है? जितने रिजल्ट आए हैं अभी तक तो जितने तंज भरते हैं वो कहाँ रहते हैं उस समय? अभी तीन राज्य के चुनाव में क्या हुआ इनका? बीजेपी का, बीजेपी का प्रचंड जीत हुआ। तो फिर ऐसे ही वो भी होगा 24 वाला भी। हाँ। जो अप्रत्याशित होगा। हाँ। हाँ। लेकिन वही कहा जा रहा है कि 10 वर्षों में मोदी के कार्यकाल में केवल जुमलाबाजी किया गया है, इनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, केवल हिंदू और मुस्लिम कर वोट लिया गया है। चंद्रमा ये लोग पहुँचाया था, चंद्रमा पर ये लोग पहुँचाए हैं, और जो ये बुलेट ट्रेन और ये सब चल रहा है रोजगार का अवसर, इनके समय में हुआ है। देश जो रफ्तार में, ये जो रोड बना हुआ है ये इनका देन है, ये जो फ्लाई ओवर वगैरह बना हुआ है ये इनका गठबंधन का देन है, उनसे पूछिए। ये सड़क जो हम लोग हैं गड्ढा पर जाते थे रोड पर, तो इनका देन है क्या? और बोलने के लिए तो सब कह देगा हम ही बनाए हैं, हम लोग ये कल्पना नहीं करते थे कि ऐसा रोड हमको देखने को मिलेगा, तो ये इंडिया गठबंधन का है कि एनडीए का है, पूछिए उनसे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिस तरह से चचा साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा 10 वर्षों में जो कार्य किया गया है वो महागठबंधन वाले नहीं कर सकते हैं 70 वर्षों से, और विपक्ष के पास कोई नेता भी नहीं है। नेता भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नेता हैं। राहुल गांधी क्या नेता हैं? वो तो बोलते हैं कि जो आलू है उसको मैं सोना बना दूंगा, तो वही नेता होंगे देश का। जिनको पता नहीं है कि आलू में सोना कैसे होता है, फैक्ट्री बना देंगे तो क्या बताएंगे। जब किसान रहता है वो बताता है कि क्या होता है,
राहुल गांधी क्या बताएंगे? कहते हैं लोग कि सब बेच देंगे बीजेपी के कार्यकाल में, सारे अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेच दिया जाएगा। बीजेपी के कार्यकाल में जितना विकास देश का हुआ है कभी नहीं हुआ था, जितना रोड सड़क मार्ग वगैरह पूरे देश में है। और बड़े लोग तो देश में कहाँ नहीं है, गांव में भी बड़े लोग हैं तो उनको भगा दीजिएगा, गरीब आदमी नहीं है। अच्छा, ये गांव जो है कौन सी जाति का गांव है लगभग? ये सभी जाति का है, और जाति कुछ नहीं होता है, सब मानव धर्म का है। मतलब विकास के नाम पर ही यहाँ वोट दिया जाता है? जी हाँ, विकास के नाम पर दिया जाता है, सब मानव धर्म के हैं, कोई जाति नहीं है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं? हाँ, सब समुदाय एक है। हाँ, यहाँ कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ सबसे ज्यादा वोट चचा मैं कहना चाहता हूँ किनकी गुजरती है? सब पर्सनल है। हाँ। और भारतीय भारतीय जनता पार्टी का अच्छा वोट गिरता है लगभग। यहाँ क्या कैलकुलेटिंग होगा वोट बैंकिंग? 50% होगा। 50% हो जाता है? हाँ हाँ। यहाँ वोट क्या कितना होगा? यहाँ 1500-1600 वोट है ना, वो 1200 वोट गुजरता है। हाँ, 1200 वोट गुजरता है। भैया क्या कहिएगा, जिस तरह से बीजेपी को कहा जा रहा है कि 10 वर्षों में केवल हिंदू मुस्लिम कर ये सरकार जो है वोट लेती है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये वोट लेकर 10 वर्षों से राज्य कर रही है, ये सब कांग्रेस का एक चाल होता है। हाँ। और बीजेपी ऐसी नहीं है, बीजेपी एक सब कांग्रेस ऐसा ढोंग ढकोसला करता है, लेकिन उसमें है कि मान लीजिए कि एक आया मुद्दा उठा लिया है लोग कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे। हम आपके गांव में रोहतास से आए हैं कवरेज करने के लिए। हाँ बताइए। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हाँ। सब अपन बा, हमनी के अपन कमाई के बा, अपन खाई के बा, उसे कोनो मतलब नहीं है। अच्छा, आपका समर्थन कहाँ रहेगा? कोनो पार्टी के नहीं। कोई पार्टी के नहीं, मतलब कोई नेता कोई काम का नहीं? कोई काम का नहीं, केवल सारे नेताओं के द्वारा भ्रमित करके वोट लिया। बस 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 बस, नाखुश है आप ना? हाँ, नाखुश है? खुश नहीं है, थोड़ा सा क्या होता है कि इस समय कृषि का माहौल चल रहा है, और यहाँ का आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है खेती बाड़ी में, तो कोई यहाँ ना खुश नहीं है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता है कि हिंदू कभी इनको कहा है कि नहीं ये तुम मुसलमान हो हटो, और ये कहे कि तुम हिंदू हटो, ऐसा कोई नहीं। चाचा, आप मुस्लिम हैं और ये गांव हिंदू और मुसलमान की गांव है, वोट कहाँ देते हैं आप ही पहले बताइए? बीजेपी अच्छा लगता है कि महागठबंधन के नेता अच्छे लगते हैं? ए भाई, हमने के तो देता नहीं है, उनका के नीतीश के, सर नीतीश कुमार के। हाँ, जगह जाति के कोनो अथुने के, सब हमने के मिल व्यवहार करके अपन खेती बाड़ी काम धंधा तीर प्रभाव। आपको बढ़िया क्या लगता है? ए हमन के पूछो नहीं, क्या बुझाता कि कौन नेता बढ़िया लगता ना, का एगो बना जोगी कि हिंदुओं के मंदिर के मथु मैं उतार देता ना, हाँ हम मुसलमानों को उतार देता, वैसे नेता चाहिए, वही नेता चाहिए, नेता वही चाहिए, दोनों के मिला के रखे। अच्छा, आपके यहाँ से जो सांसद हैं छेदी पासवान जी? अरे बाप रे बाप, छोड़ा उनका नाम बतिया हटाओ जाए। सांसद छेदी जी की एक नारा आई थी कि मोदी जरूरी है और छेदी मजबूरी है, तो मजबूरी बस हम लोग उनको झेल रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और इस बार फिर आएंगे तो वोट दीजिएगा? जी नहीं, इस बार उनकी हवा पत्ता गोल है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट करेंगे हम लोग? कहाँ आपको बोले कि हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी के कार्यकाल अच्छा लग रहा है? देखिए, कार्यकाल अच्छा है, बात समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी में फंस जा रहे हैं, लेकिन इस बार अगर छेदी भी आएंगे बीजेपी की तरफ से तो वोट मिलने वाली नहीं है। मतलब यहां कैमूर के लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो व्यवहार है, उनका जो संवेदनशील है। मीरा कुमार आती है महागठबंधन, वो ठीक है, वोटिंग कीजिएगा इस बार बीजेपी महागठबंधन को ही करेंगे वोटिंग, लेकिन जो छेदी है उनको नहीं करेंगे, वो तो 5 साल तक गायब रहे, इसीलिए उनको वोट नहीं देंगे। अगर वो सांसद बदलते हैं भाजपा तो ठीक है, बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या कहिएगा यहाँ के चुनाव को लेकर, लोकसभा को लेकर वोट कहाँ कीजिएगा इस बार, बीजेपी या महागठबंधन? देखा जाएगा, जैसा कैंडिडेट होगा वैसा किया जाएगा। नेता आपको कौन अच्छा लगते हैं? नेता जो काम करने वाले नेता हमें जरूरत। कौन काम करने वाले नेता अच्छा लगते हैं? अभी देखा जाए भाजपा में कौन नेता नया चेहरा आता है। मतलब भाजपा अच्छा लगता है ना? भाजपा का कार्यकाल ठीक है। मतलब भाजपा ही तरफ इस बार भी आप लोग लोकसभा में जाएंगे? जी, अगर कैंडिडेट बढ़िया रहा तो भाजपा ही को देंगे। जैसे कि अभी आपने कैमूर के ये समहुता गांव है, यहाँ के लोगों से सुना, साफ तौर पे यहाँ के जो वर्तमान सांसद है छेदी पासवान, उनको लेकर आक्रोश है, और साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम लोग अगर नया कैंडिडेट बीजेपी के द्वारा कोई आता है तो हम इस बार वोट बीजेपी को ही करेंगे। मगर जब बात छेदी पासवान की आती है तो ये लोग बोल रहे हैं कि 5 साल वो सीधा सीधे तौर पर गायब रहे, और इस बार ये लोगों का कहना है कि अगर इस बार छेदी पासवान जी आते हैं तो हम उनका वोट नहीं करेंगे। यानी कि साफ तौर पर जो यहाँ के वर्तमान सांसद है उनको लेकर यहाँ
यहाँ पर लोगों का आक्रोश है। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे, मगर यहाँ की जो प्रतिनिधि है, सांसद प्रतिनिधि है, उनको बदलना होगा, तब जाकर हम यहाँ पर सांसद का वोट बीजेपी को देंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।